मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद अब शहरी और ग्रामीण इलाकों में से एक एक समस्याएं छन छन कर सामने आ रही हैं। उज्जैन जिले के खाचरोद में पेयजल सप्लाई नहीं होने से परेशान लोगों ने मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। यहां पर छोटे छोटे बच्चे भी पानी नहीं तो मतदान नहीं के नारे लगा रहे हैं। खाचरोद के वार्ड क्रमांक 13 के लोग पिछले 3 सालों से पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ पर सरकार ने नल जल योजना के तहत घर घर में कनेक्शन तो कर दिए, लेकिन नलों से पानी नहीं आता। भीषण गर्मी में लोगों को काफ़ी दूर से पानी लाना पड़ रहा है। इस समस्या से महिलाएं ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चे और युवा भी बेहद परेशान हैं। लोगों ने 25 मई को नगर पालिका से अधिकारियों को लिखित शिकायत भी की थी, लेकिन 8 दिन बीत जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। वार्ड क्रमांक 13 में रहने वाले अरुण जितेन शांति बाई ने बताया कि हर बार चुनाव के समय सब जिगबाग दिखाते जाते हैं, मगर पानी की समस्या अभी भी हल नहीं हुई। वार्ड क्रमांक 13 के लोगों ने 13 जुलाई को होने वाले मतदान में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। इस संबंध में नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं मिली है। लोगों ने बताया कि नगर पालिका को समस्या के बारे में कई बार अवगत कराया गया, मगर जानबूझकर अधिकारी समस्या का समाधान नहीं करवा रहे। लोगों को पीने और इस्तेमाल करने के लिए खेत और कुएं से पानी लाना पड़ रहा है। गर्मी के दौरान पानी को लेकर हर बार लोगों को समस्या से जूझना पड़ता है। इस बार 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है, यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।